प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दो दिनों के दौरे पर हैं। बता दें कि वह सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। मंगलवार को पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, यहां रूस में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित किया। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज यहां अकेले नहीं आया हूं, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। आज 9 जुलाई है और इस दिन की खास बात यह है कि मैंने इसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज से ठीक एक महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि अपने तीसरे कार्यकाल में मैं 3 गुनी ताकत के साथ काम करूंगा। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा एक महीना हुआ है। आज से ठीक एक महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना।